हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ दीपा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में आम का सेवन करना चाहिए या नहीं, किन प्रेग्नेंट महिलाओं को आम का सेवन करना चाहिए और किन प्रेग्नेंट महिलाओं को आम का सेवन नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में और कब इसे खाना चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के आम खाने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं और उन्हें आम खाने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व और उसके फायदों के बारे में। तो दोस्तों, आम में फोलिक एसिड की मात्रा अच्छी होती है। दोस्तों, फोलिक एसिड प्रेग्नेंट महिलाओं को दवाइयों के द्वारा भी दी जाती है, जिससे उनके शरीर में फोलिक एसिड की कमी ना होने पाए। लेकिन यदि आप फोलिक एसिड प्राकृतिक रूप से भी लेती हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आम में फोलिक एसिड की मात्रा अच्छी होती है, जिससे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, फोलिक एसिड गर्भवत शिशु के बेहतर विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए फोलिक एसिड आपके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आम में विटामिन सी की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। दोस्तों, आपके शरीर में मौजूद ब्लड से ही आपके गर्भवती शिशु का निर्माण होता है, जिससे आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। अक्सर प्रेगनेंसी में ब्लड की कमी हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन यदि आप आम का सेवन करती हैं तो इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होने के कारण आपको ये एनीमिया से भी बचाता है। दोस्तों, आम में पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम आपको रात में सोते समय जो हाथों पैरों में अकड़न हो जाती है, उससे बचाता है। दोस्तों, पोटेशियम आपके शरीर के अंगों में द्रव को जमा नहीं होने देता, जिसके कारण पैरों में हाथों में अकड़न नहीं होती है और सोते समय आप आराम से सो पाती हैं। दोस्तों, आम में फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है, जिसके कारण आपके पेट में कब्ज, एसिडिटी, अपच जैसी शिकायत नहीं होती। फाइबर आपके पाचन तंत्र को सही रखता है, जिससे आपका शरीर हल्का लगता है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन यदि आप प्रेगनेंसी में आम का सेवन करती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ये सामान्य रूप से चलता रहता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं के चेहरे पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उनका चेहरा ग्लो करने लगता है, लेकिन कुछ महिलाओं के चेहरे पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसके कारण उनका चेहरा डल पड़ जाता है। उनके चेहरे पर दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, ये सब आ जाते हैं, लेकिन यदि आप प्रेगनेंसी में आम का सेवन करती हैं तो ये आपके चेहरे की ग्लो को बरकरार रखता है। दोस्तों, आपकी प्रेगनेंसी में आपकी एमिनेटिक फ्लूट में पानी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस एमिनेटिक फ्लूट के कारण ही शिशु का बेहतरीन विकास हो पाता है और वह कुपोषित या पोषण रहित नहीं हो पाता। दोस्तों, यदि आप प्रेगनेंसी में आम का सेवन करती हैं तो ये आपके एमिनेटिक फ्लूट में भी पानी की कमी नहीं होने देता। इस तरह से आम आपके गर्भवती शिशु का बेहतरीन विकास करता है और ये आपके गर्भवती शिशु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आम आपके लिए नुकसानदायक कब हो सकता है या फिर किन प्रेग्नेंट महिलाओं को आम का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आम में नेचुरल स्वीटनर पाया जाता है, यानी प्राकृतिक शक्कर होती है इसमें, इसलिए यदि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो आप इसका सेवन ज़्यादा ना करें, या फिर प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने पर आप इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। तो प्रेगनेंसी में अक्सर सीजनल आम को खाना चाहिए, केमिकल से पकाए हुए आम का सेवन आप बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी में 3 महीने तक आप इसका ज़्यादा सेवन ना करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे आपको मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है। इसलिए आम खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से भी जरूर राय ले लें। दोस्तों, आम एक ज़्यादा कैलोरी वाला फ्रूट है, इसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो आम का सेवन आप बहुत कम करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी में अक्सर आपको शुगर और कैलोरी से दूर रहने की सलाह दी जाती है, इसलिए आम खाने से पहले आप डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें कि ये आपके लिए नुकसानदायक है या नहीं,
क्योंकि आपके डॉक्टर से अच्छा आपके शरीर के बारे में कोई भी नहीं जान सकता। दोस्तों, बेसक आम आपके पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करता है, लेकिन इसका सेवन आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा ना करें, लिमिट में ही इसका सेवन करें, क्योंकि आम की तासीर गर्म होती है जो प्रेगनेंसी में आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने इसका सेवन आप बिल्कुल ना के बराबर ही करें, और इसके बाद यदि आप आम का सेवन करती हैं तो उसके बाद आप दूध का सेवन भी जरूर कर लें, जिससे आम की गर्म तासीर आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। यदि आप मार्केट से आम लाते हैं तो उसे पहले ठंडे पानी से धो लें या फिर उसे फ्रिज में रख दें, जिससे आम की तासीर ठंडी हो जाए, उसके बाद ही आप इसका सेवन करें। दोस्तों, हाइब्रिड या बिना सीजन वाले आम का सेवन आप ना करें, क्योंकि वो केमिकल से पकाए जाते हैं, और उसका सेवन यदि आप करते भी हैं तो उसे अच्छी तरह से धो लें और उसके छिलके अच्छी तरह से छील दें, उसके बाद ही आप आम का सेवन करें, क्योंकि आम के छिलकों में केमिकल भी लगा रह सकता है। प्रेगनेंसी में आप आम का सेवन रोजाना ना करें, कभी कभार ही इसका सेवन करें, और गर्मियों के मौसम में ये गर्म तासीर वाला होता है, इसलिए इसका सेवन बहुत कम करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई बातें यूजफुल लगी होंगी। अगर यूजफुल लगी हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल deepasoni.com को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।